डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे जो एसएससी स्टेनो का रिजल्ट आया है। ठीक है, कंपेयर करेंगे प्री और मेंस के जो मार्क्स हैं, कितना वेरिएशन है, और आपको फाइनल में सेलेक्ट होने के लिए कितना स्कोर बना के चलना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डाउट जो आपके मन में आ रहा होगा, अगर आपने रिजल्ट देखा है, हमारे जो सिलेक्टेड हैं वो तो इतना ध्यान नहीं देंगे, बट इसमें एक चीज़ जो देखने को मिलती है उसमें, ये पार्ट वन मार्क्स एंड पार्ट टू मार्क्स। ठीक है, तो ये क्या चीज़ दे रखी है रिजल्ट के साथ? तो ये क्या है कि जब टाई केसेस होते हैं, यानी कि मान लीजिए जनरल कैटेगरी के दो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिनके दोनों के मार्क्स सेम हैं। ठीक है, तो अब किसको लें किसको ना लें, तो इस केस में क्या होता है कि कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए जाते हैं जिनके बेस पे उनका सिलेक्शन होता है। तो पार्ट, तो इस बार क्या हुआ है, पार्ट वन और पार्ट टू मार्क्स, यानी कि अगर दो कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स हैं तो उनके पार्ट वन मार्क्स, यानी कि पार्ट वन का मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि उनकी रीजनिंग के मार्क्स, प्लस पार्ट टू यानी कि जनरल अवेयरनेस, तो जीके और रीजनिंग के मार्क्स का ऐड किया जाएगा, दोनों में कंपेयर किया जाएगा। इसमें इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं हो रहे हैं। अगर किसी के इंग्लिश की वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए, मान लीजिए किसी के 140 मार्क्स आ गए हैं, उसके इंग्लिश में बहुत अच्छे थे, और कोई दूसरा कैंडिडेट है जिसके इंग्लिश में अच्छे नहीं थे, जीके रीजनिंग में ज़्यादा अच्छे हैं उसके, तो इस केस में क्या हुआ होगा कि दोनों के जीके और रीजनिंग के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि उसको वो सीट मिलेगी। ठीक है, वो सिलेक्ट होगा। अगर मान लीजिए जीके और रीजनिंग दोनों के सेम सेम मार्क्स आ रहे हैं, फिर क्या हुआ होगा, तो इसके बाद फिर क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ, तो जिसमें डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा है उसको दिया जाएगा। अब मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी एकदम सेम है, तो उनके नाम के जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम बी से है और किसी का नाम सी से है, ठीक है, तो इसके बेस पे भी उनका सिलेक्शन होता है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पार्ट वन मार्क्स और पार्ट टू मार्क्स का क्या है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि जो प्री में जो मार्क्स आए थे, जो कट ऑफ गई थी, और जो लास्ट में है उसमें कितना ज़्यादा गैप है। तो देखिए, प्री का तो सबका इक्वल होता है, यानी कि कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ जाएगी, है ना, तो जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं सबकी सेम कट ऑफ जाएगी। बट जो मेंस होता है उसमें क्या होता है, उसके पहले आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाई जाती है, और पोस्ट के आधार पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ होती है वो डिफ़र करती है। ठीक है, हर पोस्ट के लिए जो कट ऑफ है हर कैटेगरी की अलग अलग होती है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। इसलिए फाइनल में कट ऑफ कितनी गई ये कोई नहीं आपको बता सकता। आप देखेंगे तो हर जो पोस्ट, सॉरी जो डिपार्टमेंट का कोड है, जैसे कि D1, D2, D3, C1, C2, C3, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का हो गया, जितने भी अलग अलग मिनिस्ट्री हैं या डिपार्टमेंट हैं, तो सबकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने प्री में दिया, प्री में आपका रिटेन हुआ, और प्री में जब आपका रिटेन हुआ उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया था, तो मान लीजिए डी की हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्टेनो ग्रेड डी में जो एससी की जो कट ऑफ थी वो 76 थी, एसटी की 63 थी, ओबीसी की 96 थी, ईडब्ल्यूएस की 90 थी, और जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व थी 108। तो चलिए हम एक ही लेते हैं, मान लीजिए हम अनरिजर्व ले रहे हैं, तो 108 थी। ठीक है, सभी जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट थे, ठीक है, एस्पिरेंट्स थे एससी स्टेनो के, तो जिनकी जिनके मार्क्स 108 या प्लस थे उन सभी को ये मेंस देने का मौका मिला। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब उनका प्री हो गया, फिर मेंस हो गया, इसके बाद जो अभी रिजल्ट आया है कल के डेट में, उसमें हम केवल एक डिपार्टमेंट की बात करें, मैंने सीबीडीटी को लिया, मान लीजिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो इनकम टैक्स कहलाता है, उसमें जो कट ऑफ गई है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, दैट इज़ 137। हम डी की बात कर रहे हैं, सी की नहीं कर रहे हैं, हमने डी 108 यानी कि डी पोस्ट के लिए जो प्री की कट ऑफ थी दैट वाज 108, और जो फाइनल में गई मेंस में गई वो है 137। गैप कितना हुआ, 24, यानी कि प्री और मेंस दोनों में 24। तो इसलिए कहते हैं कि दोनों को अच्छे से लेके चलो, इसलिए अपना जो फोकस रहता है वो शॉर्ट हैंड प्लस रिटेन में बराबर होना चाहिए। रिटेन हम जितना अच्छा कर लेंगे, जितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, हमारा जो फाइनल सिलेक्शन है उतना ही श्योर हो जाएगा, और मनचाह डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 मार्क्स का गैप है, ठीक है, तो हमें सिर्फ
रिटन क्वालिफाई नहीं करना है, ठीक है। वी हैव टू नॉट प्रिपेयर ओनली टू क्वालिफाई द प्री एग्ज़ाम बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट इन द लास्ट, और उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, आपके स्कोर अच्छे खासे होने चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी गैप है, इस बार कट ऑफ सही गई है, यानी कि मतलब 2019 की बात करें तो 149 पॉइंट समथिंग के अबाउट डी के लिए सीबीडीटी की गई थी, ठीक है, और इस बार काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई हुई है, इतने में तो सी में पोस्ट मिल जाती है ना, देखता नहीं यू आर, नहीं नहीं 152 के अबाउट गई है। तो अभी हमने केवल डी की बात की कि 108 अनरिजर्व के लिए, 108 प्री और मेंस में सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ चली गई आपके फाइनल में 132, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मेरिट बढ़ती है, कितना गैप होता है प्री से लेके फाइनल सिलेक्शन तक। अब मान लीजिए हम सी की बात करते हैं अनरिजर्व की, बाकी की नहीं बात करें, हम केवल एक का ले रहे हैं, ठीक है। अनरिजर्व की बात करें तो 130 कट ऑफ गई थी ग्रेड सी के लिए, ठीक है। और अगर अब हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें अलग अलग गई, तो कोई एक डिपार्टमेंट मान लो हम उठा लेते हैं, उसमें जो सी का फाइनल स्कोर गया है अनरिजर्व का दैट इज़ 152, तो गैप निकालते हैं 152 माइनस 30 तो ये होगा आपका 22, यानी कि 22 का गैप है, ठीक है। और भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एससी का 142 गया जबकि एससी का जो सी में प्री में था कट ऑफ दैट वाज 114.61, यानी कि 114 और 142, तो देखो कितना ज़्यादा गैप है, ठीक है। यहाँ पे इनका गया 28 का गैप है, और कुछ कुछ तो ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें AWS और अनरिजर्व में कोई ज़्यादा गैप ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आपको रिटर्न में भी बहुत फोकस रखना है, अपना स्कोर बढ़ाना है और दोनों को साथ लेके चलना। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है, क्योंकि उन्होंने पूरी साल, अगर आप केवल एक साल लेके चलें, हमें एक साल में तैयारी करनी है, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप डिटरमाइन हो जाए कि हमें करना है शॉर्ट इन स्टेनोग्राफर, 10+2 के बाद बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अगर आपका सी में हो गया फिर तो बल्ले बल्ले है ना, सी में अगर आपको 4200 या 4600 मिलता है तो सोचिए आप SSC CGL इंस्पेक्टर के बराबर आपको सैलरी मिल रही होती है, और बढ़िया डिपार्टमेंट में वर्क वाल एकदम अच्छा होता है स्टैनो का, है ना। तो आप कर सकते हैं, और एक साल अगर आप पूरा इसको दे दें, यानी कि जैसे ही आपने सोचा आप शॉर्ट इन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, दैट इज़ न्यू थिंग, नई चीज़ है, आपको उसमें स्पीड बनानी होती है। और रिटन तो दोनों का करेंगे तो आपका 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकेंगे, ठीक है। तो स्कोर अच्छा खासा, जो प्री और मेंस का गैप है आपने देखा, ठीक है, अच्छा खासा होता है। तो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और जो बतानी थी कि अगर किसी को डाउट है अभी कि मेरा नहीं हुआ, मेरे इतने मार्क्स हैं, सॉरी पहले मार्क्स की बात कर लेते हैं। मार्क्स आपको कब पता चलेंगे, आपकी परसेंटेज ऑफ एरर कब पता चलेगी, ये आप 24 जुलाई 2023 को ओपन हो जाएगा, है ना। आप अपने जो SSC का यूज़र नेम है, इन रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ, ये आप डालेंगे तो आपका खुद का खुलेगा SSC में, ठीक है, और उसमें आप अपने मार्क्स 24/7/2023 देख सकते हैं ना। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और है, एक महीने का आपके पास टाइम है। अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं मेरा नहीं हुआ, या फिर आपको अपने सिलेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है, मान लीजिए आप किसी का आपके आपसे कम था या हो गया, आपको नहीं मिला, मतलब कोई भी तरह का डाउट हो, तो आपको 1 मंथ के अंदर ही अंदर SSC से कांटेक्ट करना है, वहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं 1 मंथ के अंदर, इसके बाद नहीं। इसके बाद क्या होगा, आपका जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है वो डिपार्टमेंट की तरफ के पास आपका डोजियर भेजा जाएगा, इसके बाद वो इनिशिएट करेगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। इस बार SSC नहीं करवा रहा, इस बार पिछली बार भी नहीं करवाया, आई थिंक मेरे टाइम में हुआ था, पहले SSC ने करवाया था डिपार्टमेंट ने, तो आपका डिपार्टमेंट करवाएगा DB। और मान लीजिए आपको डिपार्टमेंट पता चल गया, मान लीजिए किसी का CBDT है और आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, और कोई वहाँ से सूचना नहीं मिल रही है अभी, तो आपका जोन भी पता चल जाएगा। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं आ रहा, मेल बराबर चेक करते रहें, सारा कुछ अब मेल में ही होगा, ठीक है। ये देखिए, आपका रिजल्ट भी अभी sakaljana.com पे नहीं दिख रहा था कल, लेकिन ssc.nic.in पे दिख रहा था। तो मेल अपना अपडेट रखें, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है, जो भी डाला हुआ है सब कुछ सही रखें, चेक करते रहें। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मान लीजिए, ठीक है, आपके पास कोई मेल मैसेज नहीं आ रहा है DV के लिए, तो आपको जो भी डिपार्टमेंट मिला वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर। और मतलब आपको अब ध्यान रखना है कि आगे का जो प्रोसेस है उस पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। डिले होता है तो आप पूछ सकते हैं कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है। तो
जो भी सिलेक्टेड हैं उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, 10+2 12वीं के बाद बहुत अच्छा मौका है ना। जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे कम से कम एज में आप बढ़िया पोस्ट मिल जाएगी आपको, है ना। फिर आप पॉजिटिव वाला आप फर्दर तैयारी कर सकते हैं, पर एक सुनहरा मौका है। तो अगस्त में फॉर्म आने वाले हैं, जो भी भरना चाहते हैं, जिन जो इंटरेस्टेड हैं, भले उनकी तैयारी नहीं हुई हो भरें और देखें कि है क्या चीज़। जब आपको अच्छा लगे तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं।